नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर के रावलपुरा केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद DDC चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान हुए शुरू। जम्मू और कश्मीर से 370 के बाद पहली बार DDC के चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला पुंछ के ब्लॉक बुफलीत में आज पहले चरण DDC चुनाव का आरम्भ हुआ। गवर्नमेंट हाई स्कूल संगर बनी पुलवामा में आज जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण का मतदान हुए शुरू। आज जम्मू के BJP कार्यालय में युवाओं ने रविंदर रैना और इलेक्शन प्रभारी अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में BJP का हाथ थामा। स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुधारने के लिए भारतीय सेना द्वारा भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना ने NGO डॉक्टरों की मदद के कालाकोट में भारतीय सेना द्वारा शारीरिक रूप से लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट ने जम्मू जिले में अखनूर की पंचायत तरगवाल के वार्ड नंबर 6 में पंच के उपचुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी। चेन्नई में रमेश शर्मा ने मांगा टंडार की जनता से समर्थन। DDC इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रीता कुमारी ने कहा 1 दिसंबर को सिलाई मशीन पर बटन दबाइए और उन्हें विजय बनाइए। जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, कश्मीर में 25 और जम्मू में 18। आज KCWT JKP SD सिंह जम्बाल के सबसे गतिशील ईमानदार और बहादुर अधिकारी से मिले और JNK को उनकी संप्रीति सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। आज जम्मू में PDP कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इसी तरह कल देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।